हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज फिर मिलते हैं एक नया ब्लॉग एंड नया रेसिपी के साथ। तो देखिए बाबू और बाबू मौसी का किसिंग कैसा होता है, इन लोग का किसिंग। और फिर बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे एक पतीले में आटा ले लिए हैं। आप लोग भी ऐसे बर्तन, मतलब थोड़ा उसमें गुथने बने वैसा बर्तन में आटा निकालें। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं ताकि थोड़ा नमकीन नमकीन अच्छा लगता है। उसके बाद इसको मतलब खस्ता करने के लिए, थोड़ा सा मतलब सॉफ्टली रहे इसके लिए, थोड़ा सा इसमें रिफाइंड डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा रिफाइंड डाल दे रहे हैं ताकि थोड़ा खस्ता रहे और अच्छे से टूटे सॉफ्ट। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेला, इसका इसमें तो दोनों टेस्ट भी अच्छा आएगा एंड सेहत के लिए भी ये दोनों अच्छे होते हैं, खास करके ठंडी में। तो आप लोग इसको ज़रूर डालें। उसके बाद इसको हाथ से अच्छा से मिला लेंगे, अच्छा से गूथ लेंगे, मतलब गूथेंगे नहीं, मतलब जो रिफाइंड डाले हैं ना उसको और नमक डाले हैं उसको मिलाएंगे अच्छे। इसमें पानी डाल के अच्छे से मिला लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे। मैं मिला लेती हूँ इसे, अच्छे से गूथ लिए हैं। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, तब तक हम मसाला की तैयारी करते हैं। बोलते हैं साथ में। अदरक, प्याज, मिर्ची, लहसुन, बट इतना नहीं डालेंगे थोड़ा, ये चटनी के लिए। ऐसा पतला पतला चॉप कर लिए, मिक्स कर देते हैं। इसके मसाले में तो सारे टेस्ट है। उतना मिर्च वो तो ऐसे भी नहीं खाएगा, ये अगर कुछ ज्यादा है। चम्मच नमक स्वाद अनुसार। सबसे टेस्ट लगने वाली ये वो है अचार का तेल, अचार का तेल वो भी आम का, थोड़ा सा मसाला। सरसों
हम इसमें गोल गोल लोई कर लिए हैं, तो देखिए ऐसे कटोरा टाइप से बना के उसमें सत्तू भर देंगे। सत्तू भरने के बाद इसको चारों तरफ से मोड़ के बंद कर देंगे और फिर गोल कर लेंगे इसको। इसको गोल कर लिए हैं, थोड़े से रूखा आटा के साथ मिला के इसको बेलेंगे, थोड़ा अच्छे से बेलेंगे ताकि ये मतलब फूटे नहीं, जो उसमें डाले हैं सत्तू वो निकले नहीं बाहर, इसलिए सावधानी से इसको बेलिएगा आप लोग जब भी बनाइए। तो बेल लिए हैं, कंप्लीट हो चुका है बेल के। तवे में डाल लिए हैं, अच्छे से इसको पलट पलट के थोड़ा पका लेंगे, उसके बाद मतलब दबा दबा के थोड़ा पकाएंगे। देखिए मतलब पलट पलट के अच्छे से पका लेते हैं। अब कटोरा में रिफाइन लिए हैं और चम्मच से रोटी में इसको डालेंगे। डाल दिए, फिर इसको दबा के पलट लिए और अब ये साइड भी मतलब थोड़ा सा रिफाइंड डाल देंगे। ये साइड भी रिफाइंड डाल दिए, अब थोड़ा सा पलट के थोड़ा सा पका लेंगे। ऑलरेडी ये तो पहले ही पक चुका है, लेकिन अभी रिफाइंड डाले हैं तो थोड़ा सा रिफाइंड भी पक जाएगा अच्छे से। देखिए थोड़ा थोड़ा फूल भी गया है, बहुत ज़्यादा भी नहीं फूलना चाहिए, मीडियम। ये सेट देखिए मतलब मस्त सा चटनी बना हुआ है टमाटर का। हम ऐसे टमाटर के चटनी के साथ ही इसको खाते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ठंडी में खास करके, क्योंकि सत्तू और लिट्टी चोखा तो सबको ही खाता है। एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करें, इतना अच्छा लगेगा ना कि कहना नहीं है, मस्त, बहुत बहुत मस्त लगता है। ये बनाएंगे सत्तू का कचौड़ी, देख लीजिए कचौड़ी बनाए हैं। सत्तू का कचौड़ी भी आप लोग के साथ शेयर कर लेते हैं, ये भी बनाए हैं। तो इसमें मतलब रिफाइन में इसको तल देंगे, कढ़ाई में रिफाइन गर्म हो चुका था, फिर हम इसको तल ले रहे हैं अच्छे से। इसको धीमा आंच से पकाइएगा ना, मत पूछिए गर्दा लगेगा। बस आप लोग पकाइए, एक बार ये भी ट्राई कीजिएगा। किन्हीं का कमेंट आया था कि मैम आप सत्तू का कचौड़ी डालिएगा, तो ये रेसिपी हम उनके लिए डाल रहे हैं। देखिए कितने अच्छे पक रहे हैं दोनों कपल्स ना। ओ ये तो हम नोटिस ही नहीं किए कि दोनों कपल्स हैं। सो तुमको बताया था ये दोनों भी ना? ओ गॉड, हाँ दोनों कपल्स, ऐसे एक छोटा है एक मोटा है ना, देखो लेकिन दोनों अलग अलग के पेट में जाएगा है ना, ये गलत होगा ना मीना। ठीक है हमको दोनों दे दीजिए। देखिए इसको फिर पलट लेंगे। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहिएगा, मतलब तेल में जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद ही निकालिएगा। तो इसका टेस्ट मत पूछिए, बता मतलब क्या बोलें, पानी आ जा रहा है मुंह में। मतलब टेस्ट बता तो सकता नहीं कि कैसा रहेगा, खाने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग ट्राई कीजिए।
देखिए दोनों कपल्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब दोनों को निकाल लेंगे। दोनों को निकाल लिए हैं, अब सर्व कर लेते हैं। तो फिर मिलते हैं सर्व करने के बाद। पूछ लेते हैं कि कैसा लग रहा है। कैसा लगा बेटा? अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। ओके, तुमको कैसा लगा? झटकास। हमको तो वैसे बहुत पसंद है सत्तू का पराठा। माइंड ब्लोइंग ना, मतलब सर्दी में ये सब पर टेस्ट करना चाहिए है ना।